अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू माई चैनल जैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हेयर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग पीएस एंड मास्टर बीएस इन इंग्लिश एंड मास्टर कैन सीक हेल्प। अवर टूडेज कोर्स इज क्लासिकल पोइट्री एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द टॉपिक 18th पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी सोशल लाइफ डू वी गेट इन द रैप ऑफ द लोक। If this video is new for you, then hit like button and press subscribe button and press bell icon to get notification of my new videos. Now I'm gonna start the topic. Picture of 18th century social life do we get in the rap of the lok? The rap of the lok is a faithful and true reflection of the 18th century life in its manifold aspects. The rap of the lok अपने कई तय दर तय पहलुओं में 18वीं सदी की ज़िंदगी की वफादार और हकीकी अकासी है। द रैप ऑफ द लोक इज़ अ नीट एंड परफेक्ट पिक्चर ऑफ द फेमिनाइन फ्रिविलिटीज ऑफ द अपर सट्राटा ऑफ सोसाइटी। द रैप ऑफ द लोक माशरे के भलाई तबकात की औरतों की फजूल खर्ची की साफ और कामल तस्वीर है। इट इज़ रिप्रजेंटेटिव, जाहिर करती है पिक्चर तस्वीर ऑफ सोशल प्लीजेंट्री ऑफ द एज, उम्र की समाजी खुशहाली की। इन द वर्ड्स ऑफ हेजिलेट के अल्फाज में, इट इज़ द ट्रिम्फ ऑफ इनसिग्निफिकेंस, अदम इस्तेहकाम की फतह है ये। द एपोथियोसिस ऑफ फोपरे एंड फुली बेवाकूफ़ी और जाहिरदारी की खुदागर्दानी करना है ये। इट इज़ द परफेक्शन ऑफ मॉक हीरोइक, और ये मॉक हीरोइक की तकमील है। हक वॉल्कर सम्स अप द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द रैप ऑफ द लोक व्हेन ही सेज, हक्स वॉल्कर ने द रैप ऑफ द लोक के समाजी पहलुओं पर मुश्तमिल है जब उन्होंने कहा रेलरे ऑफ फैशन से दिल लगी एंड द वैनिटीज ऑफ बर्क्स एंड बल्स, जज्बात और छेल छबीले की बहूदगी। इज द स्टैपल ऑफ द रैप ऑफ द लोक, द रैप ऑफ द लोक की पैदावार है ये। द पोइम टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ सोशल लाइफ इन द अपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। पोइम माशरे के बलाई तबके में समाजी जिंदगी की हालात के बारे में बताती है। लेट अस फर्स्ट टर्न टू द लाइफ ऑफ लेडीज, आए पहले खवातीन की जिंदगी पर तवज्जो डालते हैं। द अंडरलाइंग पिक्चर of women presented in the poem is that women are all frivolous beings. Poem में जो पेश की गई है या जाहिर की गई है औरतों की बुनियादी तस्वीर, यानी कि बुनियादी तस्वीर वो कुछ यूँ है, women are all frivolous beings, औरतें तमाम गैर संजीदा हस्ती हैं, बेवकूफ़ हस्ती हैं, बेवकूफ़ मखलूक हैं। हुज़ वन जीनियन इंटरेस्ट इज़ इन लव मेकिंग, जिनका एक असल दिलचस्पी या सच्ची दिलचस्पी है वो मोहब्बत साजी में है। द पोइम टेल्स डैट फैशनेबल लेडीज़ लाइक बिलिंडा यूज़ टू गेट अप वेरी लेट इन द डे। नज़म हमें बताती है कि बिलिंडा की तरह की फैशनेबल ख़वातीन दिन में बहुत देर से जागती हैं। Their maids waited in an ante chamber, और उनकी नौकरानियाँ डेरी में उनका इंतज़ार करती हैं। The ladies were awakened from their dreams of love in atmosphere of perfume. औरतें परफ्यूम की एटमोसफेयर में या परफ्यूम के माहौल में, खुशबूदार माहौल में अपनी मोहब्बत बड़े ख्वाबों से जागती हैं। The ladies went to the bathroom, औरतें बाथरूम जाती हैं एंड दे इंगेज देमसेल्फ इन द टास्क ऑफ फैशनेबल ड्रेसिंग ज्वेल्स एंड कॉस्मेटिक्स, और खुद को फैशनेबल ड्रेसिंग ज्वेल्स और कॉस्मेटिक्स के कामों में मशगूल कर लेती हैं। द लेडीज़ टुक कंसिडरेबल टाइम इन ड्रेसिंग एंड टॉयलेट, और ये ख़वातीन अपना अहम वक़्त टॉयलेट और ड्रेसिंग में गुजारती हैं। अ प्लेयरेबल ट्रिप ऑन द थीम्स पर एक खुशगवार सफ़र एंड अ सोशल मीटिंग एट हम्पटन कोर्ट वर प्लेयरेबल, और हम्पटन कोर्ट में एक समाजी मीटिंग वर प्लेयर बहुत खुशगवार थी। वुमेन टुक पार्ट इन गैम्बलिंग एंड प्लेइंग कार्ड, औरतें जुआ और ताश खेलने में हिस्सा लेती हैं या ताश खेलती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। वाइन वाज ड्रंक हर्टली, शराब दिल से पी जाती थी। सच वाज द स्टेट ऑफ वुमेन इन द एज, उस उम्र में
ये औरतों की सूरत हाल थी। पोप हियर राइट्स अबाउट द सोसाइटी, गाइस यहाँ अबाउट आना है, यानी कि पोप माशरे के बारे में लिखता है। द रैप ऑफ द लोक डज मिरर द मैन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। द रैप ऑफ द लोक औरतों और मर्दों को एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज यानी कि बड़े तबकात के ख़ानदानों के मतलब यानी के साथ रिश्ता जोड़ने की बात करता है। द वुमेन ऑफ दिस क्लास वर पिक्चर्स ऑफ वैनिटी, औरतें इस तबके की खुदनुमाई की तस्वीर थी। दीज लेडीज़ वर एक्सपर्ट्स इन द आर्ट ऑफ कोक्यूटरी, और ये सारी ख़वातीन नाज नखरे के फ़न में माहर थीं। रोलिंग देयर आइज़, अपनी आँखों को घुमाना या अपनी आँखों की हुक्मरानी करवाना। वैगिंग देयर टंग्स, ज़ुबान को आगे पीछे करना। रिस्पोंडिंग आर्टफुली टू द एडवांसेस मेड बाय द लॉर्ड्स, खावन की तरफ से की गई पेश दरफ्त को फ़न के साथ जवाब देना। खावंद की तरफ से यानी कि जो भी खावंद कहेगा, कोई बात करेगा या कुछ और, तो उसके सवाल का जवाब पूरे फन से देना, घुमा घुमा के। फिर दे वर प्रिटेंडर्स एंड डिसिमुलेटर्स, और ये सब रियाकार और बहानेबाज थी। वेन एवर दे गॉट अ न्यू गाउन, जब इन्हें कोई नया चोगा मिलता, दे प्रिटेंडेड इलनेस, तो ये बीमारी का बहाना करती। सो डैट अदर पीपल माइट कम टू सी देम, ताकि दूसरे लोग इनकी तरफ आएँ और इनको देखें। दे लव देयर लैप डॉग्स, ये अपने लैप डॉग से बहुत मोहब्बत करती थी। देयर शो पीसेस, अपने शो पीसेस से, विद पैशनेट जील, जोश और जज्बे के साथ, यानी कि ये फुल जोश और जज्बे के साथ अपने लैप डॉग्स और अपने शो पीसेस से मोहब्बत करती थी। बट लेकिन अबव ऑल दे लव्ड कॉस्मेटिक्स एंड लव फ्लैटर्स, इसके अलावा इससे बढ़ के भी वो अपनी कॉस्मेटिक से प्यार करती थी, अपने खतूत से प्यार करती थी। एंड फ्लर्टिंग विद सेवरल मैन एट अ टाइम, और एक वक्त में यानी कि एक टाइम में बहुत सारे आदमियों के साथ छेड़छाड़ करती थी। दे टुक प्राइड इन पॉल्ट्री थिंग्स लाइक द स्नफ बॉक्स और द कैन, वो नुस्वार का डब्बा और लाठी जैसी नकारात चीज़ों में बहुत फ़ख्र करती थी। दे डिलाइटेड इन चीप पोइट्री एंड वुलगर जोक्स, दे वो सब खुश होती थी बेहुदा बेकार शायरी में और बेहुदा लतीफ़ों में। देयर चीफ प्रीऑक्यूपेशन वाज गॉसिपिंग, और उनका सबसे बड़ा ज़हनी मशगूलियत गपशप थी। ऑफ द सोशल मैनर्स ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक टू फाइंड्स मेंशन इन द रैप ऑफ द लोक, अमीराना समाजी अदब द रैप ऑफ द लोक में दो दफ़ा मेंशन की गई, दो दफ़ा जिक्र किया गया। वन वाज देयर डिलाइट इन द गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड कॉल्ड ओम्बर, ओम्बर नामी एक खेल यानी कि एक कार्ड का खेल, ताश वगैरह, उससे वो खुश होती थी। द अदर सोशल पास टाइम वॉज कॉफ़ी ड्रिंकिंग, और दूसरा उनका समाजी पास टाइम था कॉफ़ी पीना। द 18th सेंचुरी लंदन वॉज फुल ऑफ कॉफ़ी हाउसेज नंबरिंग इन टू हंड्रेड्स, सैकड़ों की तादाद में, 18वीं सदी का लंदन सैकड़ों की तादाद में कॉफ़ी घरों से बड़ा पड़ा था। और ये था 18th सेंचुरी पिक्चर ऑफ सोशल लाइफ रैप ऑफ द लोक में। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू गाइस की पॉइंट्स ऑफ द प्रोमिनेंट पीरियड क्लासिकल पोइट्री इन हिस्ट्री ऑफ इन लिटरेचर। आई पुट ऑल माई एफर्ट्स टू provide one of the best material to you so that you guys can prepare your notes in best way. Thanks for watching this video. I hope this video was useful and helpful for you. Like my video and subscribe my channel.